अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहि सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही आलिल्लाह व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अदाइल्लाह। करबला मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके दिलों की रवानी के लिए मेरा प्रोग्राम ये करबला है, हाजिर खिदमत है। आइए करबला से दिलों को मिलाने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ अकीदत पेश करने के लिए करबला मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीनों पे हाथ रखिए। आइए दिल से सलाम पेश करते हैं मौला की बारगाह में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्लाह, वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदं मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास يابنا امير المؤمنين وابنا سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कर्बलाए मोहल्ला में खुशामदीद। कर्बलाए मोहल्ला यकीनन ख़ुद आपको मरहबा कहकर पुकारती है, क्योंकि कर्बला ज़िंदा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम की अता करदा है, क्योंकि इसे खून दिया है अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कर्बला ज़िंदा है। एजाज कुन भी रखे तो वली कहते हैं, अपने वक्त का मोहम्मद और अली कहते हैं, सखी ऐसा के सखी इब्ने सखी कहते हैं, मसलके शिया में उसको ही तकी कहते हैं। आज 29 ज़िलक़ादा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हमारे कमसिन तरीन इमाम, वैसे तो इमाम इमाम ही होते हैं, वलौकाना सबिया, अगरचे दूध पीते बच्चे ही क्यों ना हो, छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन इमाम इमाम ही हुआ करते हैं। लेकिन आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम में, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 सच्चे जानशीन हैं, उनमें से हमारे नौवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम सबसे कमसिन तरीन उम्र में उन्हें ज़ाहिरन इजहार इमामत का मौका मिला, क्योंकि 3 ज़िलक़ादा को 203 हिजरी को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 7 से 8 साल के दौरान उम्र मुबारक थी, और इस उम्र में मौला की ज़ाहरी इमामत का मौका था। हमारा आज प्रोग्राम नंबर है 280, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा मनकबत खान, नकीब रज़ा हैदरी साहब भावलपुर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ। सलामत रहें, कर्बलाए मौला में खुशामदीद। मौलाए कुदसियान की बारगाह में अपनी अकीदत के फूल निछावर कीजिए, बिस्मिल्ला। जी मैं सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक्दस में सलाम पेश करता हूँ, और दुआगो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपनी अमान में रखें, और हमारे जमाने के इमाम का जल्द ज़हूर हो, उनके सदके हमारी हर दुआ मुस्तजाब मंजूर हो। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरज कायम आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन بولايه غالب لا كل غالب سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج قائم على محمد। चार मिसरों से अपनी नौकरी का आगाज करने लगा हूं, तमाम सामईन की नजर करने लगा हूं, चार मिसरे तवज्जोहात का तालिब हूं। बिस्मिल्लाह। उस लामकां की जात का घर बन गया हुसैन, वाह। उस लामकां की जात का घर बन गया हुसैन, पैकर में था रसूल मगर बन गया हुसैन। ये सब्र हौसला ये शहादत सबूत है, हर दौर के यजीद का डर बन गया हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज कायम आले मोहम्मद। चार मिसरे और तमाम मोमिनीन के ज़ौक़ की नज़र के कबूल, इसलिए नेज़े की नो की उसने कबूल, इसलिए नेज़े की शरे बरीदा मेरा दुश्मनों में पस्त ना हो, और वो सर उठाए हुए कातिलों से कहता है, हुसैन होता ही वो है जिसे शिकस्त ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरज कायम आले मोहम्मद। मनकबत के चंद मिसरे मैं आपकी नजर करने लगा हूँ इमाम हुसैन अलैहि सलाम से इजाजत लेते हुए। है मुझसे राजी खुदा ज़हरा, है मुझसे राजी खुदा ज़हरा, मैं कर रहा हूँ सहरा, मैं कर रहा हूँ सना सहरा, और हो किस तरह पा
پانچ تن مکمل اگر نہ چادر میں آئے زہرا اگر نہ چادر میں آئے زہرا میں کر رہا ہوں سنا اور ایک سادہ بات مگر خوبصورت بات کی عطا اے زہرا عطا اے رب ہے عطا اے رب ہے عطا اے زہرا میں کر رہا ہوں سنا زہرا وہ جس نے تو ہیر کو بنا دی ہے کون ہستی سوائے زہرا ہے مجھ سے راضی خدا زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج قائم آل محمد. فضائل میں نے پڑھ لیا ہے بس اب اپنی نوکری کو مکمل کرنے کے لیے میں سوز و سلام کے چند غربت کے مصرے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. بسم اللہ کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے اور غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نالا کیے ہیں شمر نے اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے
बहन का पर्दा तकल्लुम से बनाना था, सुना रहा था वो कुरान सिना के मिंबर से, लहू हुसैन का पोंछा बहन की चादर से, कि ये शिम्र ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद मुअज्जल फरकाइन व आले मोहम्मद। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। बहुत प्यारा अंदाज, बहुत प्यारा बयान, बहुत प्यारे कलेमात मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर्द का दरमान बने। आपके अल्फाज और हुज्जत खुदा के जहूर पर भी आप मौला का जिक्र सुनाने वालों में शुमार हों, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को गरमाया। ये थे जनाब नुहमन कबत खान नकीब रज़ा हैदरी साहब बहावलपुर से। हमारे दोस्तान रोज़ाना शिरकत फरमाते हैं, खलूस के साथ शिरकत फरमाते हैं। ये हजरात अपने कीमती वक्त को मज़ीद कीमती बनाने के लिए मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि कीमत वक्त की ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से बढ़ कर कोई हो ही नहीं सकती। इंसान का आखरत और दुनिया दोनों का बेहतरीन मसरफ और बेहतरीन शुगल और बेहतरीन सर्फ करना वक्त का ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में है। और हसरत करेगा वो शख्स आखरत में जो कि दुनिया व आखरत में ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर रहा। अब हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद वफा अब्बास जैदी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम यारी मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। चाहूँगा आपका वक्त आप ही इस्तेमाल करें, जिक्र मौला से इब्तदा कीजिए। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले शुक्रगुजार आपकी टीम का मुझे से हकीर को मौका दिया। बुजुर्गवार हैं। चार मिसों से आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखी ना कभी चश्मे फलक ने ये लड़ाई, देखी ना कभी चश्मे फलक ने ये लड़ाई, जिब्रील ने मौला से अमा जंग की पाई। देखी ना कभी चश्मे फलक ने ये लड़ाई, जिब्रील ने मौला से अमा जंग की पाई। बंदों की कटाई में कहां ऐसी सफाई, सर कट गए अक्साम को आवाज ना आई। मौला हुसैन ने ऐसी जंग करबला में लड़ी है, देखी ना कभी चश्मे फलक ने ये लड़ाई, जिब्रील ने मौला से अमा जंग की पाई। बंदों की कटाई में कहां ऐसी सफाई, सर कट गए अक्साम को, सर कट गए अक्साम को आवाज ना आई। फिर हुआ क्या, सर कट गए अक्साम को आवाज ना आई। जंगल में मोहम्मद का मदीना उतर आया, खुद मौत के माथे पे पसीना उतर आया। जंगल में मोहम्मद का मदीना उतर आया, खुद मौत के माथे पे पसीना उतर आया। और जब खून से शब्बीर ने भर दी वो अराजी, जब खून से शब्बीर ने भर दी वो अराजी, याद आ गया इस्लाम को शब्बीर का माजी। बेसाख्ता कहने लगा मैशद का वो काजी, शब्बीर मैं राजी हूँ तू अब मुझसे हो राजी, शब्बीर मैं राजी हूँ तू अब मुझसे हो राजी। जब और जहाँ तक मेरा इस्लाम रहेगा, वादा है कि शब्बीर तेरा नाम रहेगा। जब और जहाँ तक तेरा, जब और जहाँ तक मेरा इस्लाम रहेगा, वादा है कि शब्बीर तेरा नाम रहेगा। आप सलामत रहें। और जो लोग करबला गए हैं वो इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं कि नगर नगर में शही मशरकैन जिंदाबाद, नगर नगर में शही मशरकैन जिंदाबाद, अली के लाडले दिल का चैन जिंदाबाद। नगर नगर में शही मशरकैन जिंदाबाद, नबी के लाडले दिल का चैन जिंदाबाद। कोई यजीद को गर करबला में ले आए, कोई यजीद को गर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। कोई यजीद को गर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। और हुसैन तेरे कर्म का हिसाब कैसे हो, हुसैन तेरे कर्म का हिसाब कैसे हो,
सवाल ये है कि तेरा जवाब कैसे हो बचा के एक ही सजदे में ला इलाहा का भरम, खुदा से पूछ रहा था जनाब कैसे हो, बचा के एक ही सजदे में ला इलाहा का भरम, खुदा से पूछ रहा था जनाब। और एक कलाम मौला अब्बास की शान में पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत। अर्श पर जब के बनाए गए अब्बास के हाथ, अर्श पर जब के बनाए गए अब्बास के हाथ, रब के हाथों से सजाए गए अब्बास के हाथ, दस्त हैदर से मिलाए गए अब्बास के हाथ, फिर बुलंद करके दिखाए गए अब्बास के हाथ, लोहे महफूज का पहले तो कलम कहलाए, आके दुनिया में यही हाथ अलम कहलाए, अब्बास के हाथ मौला अब्बास के हाथ, गाजी अब्बास के हाथ मौला अब्बास के हाथ, और हाथ है वो हाथ के जो सारे जमाने की है आस, बन गए कुदरत खुल्ला के उला के आकाश, दस्त हैदर के जो मानिंदे थे दस्ते अब्बास, यक बयब कल्ब में खालिक के ये उबरा एहसास, किस तौहीद की किस्मत को सवारा जाए, किसके हाथों को यदुल्लाह पुकारा जाए, सखी अब्बास के हाथ मौला अब्बास के हाथ। और शेर तवज्जो का तालिब हूं के शे की आगोश में होने लगे गाजी गेसु, सात अब्बास के रखते वो हमेशा हर सु, अपने हाथों से बनाते कभी उनके गेसु, देख कर कहते थे अब्बास के दोनों बाजू, ये मेरा शेर तराई पे कदम गाड़ेगा, इन्हीं हाथों से ये पानी पे अलम गाड़ेगा, सखी अब्बास के हाथ मौला अब्बास। देखती सानी जहरा जो अलमदार के हाथ, याद आ जाते उन्हें हैदर करदार के हाथ, कभी कहती कि ये है जाफर तैयार के हाथ, रखे अल्लाह सलामत मेरे जर्दार के हाथ, मेरा दावा है कि पानी की जो बात आ जाए मेरे अब्बास के चुल्लू में फुरात आ जाए, सखी अब्बास के हाथ गाजी अब्बास के हाथ। और आखिरी में इसे कि गौर से देखो तो मसरूफे दुआ है पंजा, गौर से देखो तो मसरूफे दुआ है पंजा, गौर से देखो तो मसरूफे दुआ है पंजा, दर्द गम के लिए मरहम है दवा है पंजा, हर घड़ी खल्क पे माइल बता है पंजा, और क्या बताएं तुम्हें हम लोग के क्या है पंजा, क्या बताएं तुम्हें हम लोग के क्या है पंजा, मेहरबान हम पे है ये नूर का साचा बन कर, और यजीदों को ये लगता है तमाचा बन कर, सखी अब्बास के हाथ मौला अब्बास के हाथ, गाजी अब्बास के हाथ मौला अब्बास के हाथ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। मौला आपके इखलास को रोज़ अफजून ज़्यादा करे। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद वफा अब्बास ज़ैदी साहब कराची से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए और मज़ीद इखलास के साथ, मज़ीद मोहब्बत के साथ, मज़ीद उल्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ ज़िक्र करते रहें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने के लिए इंसान की दिल की धड़कनें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिली हुई होनी चाहिए, सांसें अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से रवा होनी चाहिए। इखलास तब जाके वजूद में आता है। जब इखलास वजूद में आ जाता है तो इंसान को परवाह नहीं रहती कि मैं मर जाऊंगा या मौत मुझ पे आ पड़ेगी। वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के किरदार में अपने किरदार को ढाल लेता है और ये ढाल उसके लिए दुनिया और आखरत की ढाल बन जाती है और इंसान मुखलिस हो जाता है। इखलास जब इंसान के वजूद में आ जाता है, हिदायत पा जाता है, हिदायत के बाद ईमान आ जाता है, ईमान आने से इंसान मोमिन हो जाता है, मोमिन होने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत में शक नहीं रहता। जिस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर ज़िल क़ादा को सुलह हुदैबिया भी थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना ये था कि इस दिन हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में जितना शक हुआ इतना कभी भी नहीं हुआ था। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नबी की इस्मत में, नबी के अमल में शक करना ये कुफ्र होता है। इसे पनाह मांगनी चाहिए और इसे तौबा करनी चाहिए। यकीनन कुफ्र से परहेज़ करने के लिए ज़रूरी है कि नबी को इस तरीके से कबूल किया जाए जिस तरह कबूल करने का हक है। समअन व ताअतन हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम आसिफ बजनोरी साहब इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आसिफ साहब? वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद सब लिखते थे, मैं मदह का आगाज करूं। बिस्मिल्लाह। अपनी और तमाम मेहबान अहले बैत की जानिब से इमाम अशरफ की खिदमत में इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का कुछ शागिर्द पेश करता हूं। चार मिसरे पेश कर रहा हूं समाप्त फरमालें। इनायत फिक्रे अली भी कीजिए फिक्रे नबी के साथ, जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। वाह। जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये बंदगी के साथ। यूं तो हर एक इमाम ही है मुत्तकी मगर, यूं तो हर एक इमाम ही है मुत्तकी मगर, तकवे की बात कीजिए मौला तकी के साथ। वाह वाह वाह। तकवे की बात कीजिए मौला तकी के साथ। करबला के हवाले से समाप्त सुनाएंगे। इनायत हो। ऐ करबला तेरी आबो हवा का क्या कहना। वाह। ऐ करबला तेरी आबो हवा का क्या कहना। वाह। तेरी तो खाक भी खाकों में है शिफा वाली। वाह वाह वाह। तेरी तो खाक भी खाकों में है शिफा वाली, इसीलिए तो मैं खुद पर गुमान करता हूँ। इसीलिए तो मैं खुद पर गुमान करता हूँ कि मेरे खमीर में मिट्टी है करबला वाली। वाह 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 वाह। इसीलिए तो मैं खुद पर गुमान करता हूँ मेरे खमीर में मिट्टी है करबला वाली। वसीले के बिना कोई दुआ अच्छी नहीं लगती। वसीले के बिना कोई दुआ अच्छी नहीं लगती, हमें हर एक दामन की हवा अच्छी नहीं लगती। रमे शब्बीर के बाईस हर एक गम अच्छा लगता है। रमे शब्बीर के बाईस हर एक गम अच्छा लगता है, मगर ये जिंदगी बिन करबला अच्छी नहीं लगती। मगर ये जिंदगी बिन करबला अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मगर ये जिंदगी बिन करबला अच्छी नहीं लगती, तो जिक्र आले मुस्तफ़ा कीजिए बनामे जिंदगी। जिक्र आले मुस्तफ़ा कीजिए बनामे जिंदगी, डगमगा सकता नहीं हरगिज निजामे जिंदगी। डगमगा सकता नहीं हरगिज निजामे जिंदगी। और एक पैगाम दे रहा हूँ इंशाल्लाह वो समाप्त फरमाएं कि डगमगा सकता नहीं हरगिज निजामे जिंदगी,
करबला वालों के दर नक्शे कदम पर हम चलें, करबला वालों के दर नक्शे कदम पर हम चलें तो मौत को करना पड़ेगा एहतरामे जिंदगी। वाह 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 वाह, मौत को सर बहुत बहुत शुक्रिया। मौत को करना पड़ेगा एहतरामे जिंदगी। एक दिल की आवाज है जो पेश कर रहा हूँ कि बात जब भी सितम की होती है, बात जब भी सितम की होती है याद आती है करबला मुझको, बात जब भी सितम की होती है याद आती है करबला मुझको, ऐसा लगता है जैसे मक्तल से दे रहा है कोई सदा मुझको, ऐसा लगता है जैसे मक्तल से दे रहा है कोई सदा मुझको। सूरत की दुश्मनी में जो शब्दात हो गए, सूरत की दुश्मनी में जो शब्दात हो गए वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। बातिल परस पैरवे बेदाद हो गए, बातिल परस पैरवे बेदाद हो गए, वो ना समझते शामिल तादाद हो गए, वो ना समझते शामिल तादाद हो गए। तड़पे जो खाको खून में बर्दश्ते करबला, तड़पे जो खाको खून में बर्दश्ते करबला, शब्बीर ला इलाहा की बुनियाद हो गए। शब्बीर ला इलाहा की, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर ला इलाहा की बुनियाद हो गए। असगर का खून चेहरा ही अनवर पे मल लिया, असगर का खून चेहरा ही अनवर पे मल लिया, अकबर की जायदाद में आबाद हो गए। अकबर की जायदाद में आबाद हो गए। मौला फरमाते हैं कि जुल्म की रुदात जब लिखेगा वो खंजर के नाम, जुल्म की रुदात जब लिखेगा वो खंजर के नाम, सब्र की तारीख भी लिखेगा मेरे सर के नाम, सब्र की तारीख भी लिखेगा मेरे सर के नाम। तो हश्र तक गूंजे यू ही अल्लाहु अकबर की सदा, इसलिए मैंने खरीदी है जमी अकबर के नाम। इसलिए बहुत शुक्रिया, इसलिए मैंने खरीदी है जमी अकबर के नाम। सलाम पेश कर रहा हूँ कि जिंदगी बाकी रहे आबो गिजा इतनी तो हो, फिर हदीसे इतनी तो हो। मुलाजा फरमाएंगे इंशाल्लाह कि जिंदगी बाकी रहे आबो गिजा इतनी तो हो, सांस लेने में हो आसानी हवा इतनी तो हो, सांस लेने में हो आसानी हवा इतनी तो हो, सर उठाकर हक को हक बातिल को बातिल कह सके, सर उठाकर हक को हक बातिल को बातिल कह सके, खून के कतरों में शामिल करबला इतनी तो हो। बहुत शुक्रिया। सर उठाकर हक को हक बातिल को बातिल कह सके, खून के कतरों में शामिल करबला इतनी तो हो। हजरत अब्बास के परचम को बढ़कर चूम ले, हजरत अब्बास के परचम को बढ़कर चूम ले, हजरत इंसान के पैकर में वफा इतनी तो हो। हजरत इंसान के पैकर में वफा इतनी तो हो। हजरत अब्बास के परचम को बढ़कर चूम ले, हजरत इंसान के पैकर में वफा इतनी तो हो। खून के मातम का हर एक जख्म खुद हो जाए ठीक, बतौर खासियत पेश कर रहा हूँ, खून के मातम का हर एक जख्म खुद हो जाए ठीक, मातमी के जिस्म में खाके शिफा इतनी तो हो। बहुत शुक्रिया। मातमी के जिस्म में खाके शिफा इतनी तो हो। और ये अपनी बहनों के लिए पैगाम दे रहा हूँ चादर तथीर को मद्देनजर रखते हुए कि मातमी के जिस्म में खाके शिफा इतनी तो हो, बाहया हो तुम यकीनन है मेरी बहनों मगर, बाहया हो तुम यकीनन है मेरी बहनों मगर, पांच तन जिसमें समा जाए रिदा इतनी तो हो। बहुत शुक्रिया। बाहया हो तुम यकीनन है मेरी बहनों मगर, पांच तन जिसमें समा जाए रिदा इतनी तो हो। सात बेटे देके राहिब को कहा शब्बीर ने, सात बेटे देके राहिब को कहा शब्बीर ने, जब तलक साहिल न कह दे बस अता इतनी तो हो। जब तलक सात बेटे देके राहिब को कहा शब्बीर ने, जब तलक साहिल न कह दे बस अता इतनी तो हो। तो बख्शवा दे एक मुहिब दो चार को रोजे जगा,
बख्श वादे एक मुहिब दो चार को रोजे जजा, उल्फत आले मोहम्मद की जजा इतनी तो हो। उल्फत आले मोहम्मद की जजा इतनी तो हो, सिर्फ उकबा में नहीं दुनिया में भी जलता रहे, सिर्फ उकबा में नहीं दुनिया में भी जलता रहे, दुश्मन आले मोहम्मद की सजा इतनी तो हो। दुश्मन आले मोहम्मद की सजा इतनी तो हो, मक्का समात माले के जिसकी खाओ उसकी गाओ पर करो आसिफ अमल, जिसकी खाओ उसकी गाओ पर करो आसिफ अमल, कम से कम इंसान में शर्मो हया इतनी तो हो। कम से कम, बहुत शुक्रिया, कम से कम इंसान में शर्मो हया इतनी तो हो। राहे हक में अगर इजाजत हो तो और एक कलाम पढ़ दूं। इनायत हो, इनायत हो। राहे हक में घर लुटाना सर कटाना और बस, आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं भी हूँ। राहे हक में घर लुटाना सर कटाना और बस, करबला यानी लहू में डूब जाना और बस, करबला यानी लहू में डूब जाना और बस, सरहदें तो मुत्तसिल हैं शहरियत में फर्क है, सरहदें तो मुत्तसिल हैं शहरियत में फर्क है, सूफी मतलब बात सुनना सर हिलाना और बस, सूफी मतलब बात सुनना सर हिलाना और बस, झूठे किस्से और जो आज के हालात पे मद्देनजर रखते हुए मैंने मतलब शेर कहा है इसको समाप्त माने के, झूठे किस्से सच्चे लोगों को सुनाना और बस, झूठे किस्से सच्चे लोगों को सुनाना और बस, महफिलो मीलाद में सजदत पे आना और बस, ताजिर खूने हुसैन इब्ने अली शियान जर, ताजिराने खूने ताजिर खूने हुसैन इब्ने अली शियान जर, तेरा मकसद सिर्फ है पैसा कमाना और बस, तेरा मकसद सिर्फ है पैसा कमाना और बस, आलम अरवाह के वादे निभाना और बस, आलम अरवाह के वादे निभाना और बस, इसके आले मुस्तफा में डूब जाना और बस। शेर सुने के, अर्श वालों से अगर मिलना मिलने की ख्वाहिश दिल में है, अर्श वालों से अगर मिलने की ख्वाहिश दिल में है तो मजलिसे सरवर में आकर बैठ जाना और बस, मजलिसे सरवर में आकर बैठ जाना और बस, खून की गर्मी भी आसिफ असलहों से कम नहीं, खून की गर्मी भी आसिफ असलहों से कम नहीं, दस्त में जाना तो साबित करके आना और बस, दस्त में जाना तो साबित करके आना और बस। और आखिर से जनाबे लीडर के हवाले से समाप्त माने, दस्त में जाना तो साबित करके आना और बस, सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, रन में जाना तीर खाना मुस्कुराना और बस, रन में जाना तीर खाना मुस्कुराना और बस। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी सामने इकराम और नाज़िम इकराम, दरख्वास्त गुजार हूँ आप सभी से कि मेरे हक में दुआ करिए और मेरा कलाम हुजूर तक पहुँचाए रहे और तब तक सलामत रहें। मौला की बारगाह में आपने नजराना अकीदत पेश किया। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम आसिफ बजनोरी साहब, इंडिया से बहुत प्यारा कलाम पेश किया। एक इस्तलाह इस्तेमाल की इन्होंने, ताजिराने खूने हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ताजिराने खूने हुसैन अलैहिस्सलाम मज़हब शिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बेचने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ और ना हो सकता है, क्योंकि हुसैनियत से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिराने खूने हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये यजीदी फ़ौज में ही थे जो शिया कौम में अल्हम्दुलिल्लाह वजूद नहीं रखते। अगर कोई इस इस्तलाह को इस माने में इस्तेमाल करता है कि जो मजलिस के पैसे तय करके अपने लिए मजलिस पढ़ते हैं, तो ये इस्तलाह यकीनन एक ऐब है और बुरी इस्तलाह है। इसको इस्तेमाल इस माने में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए और ना मजहबी तशैयों में ये इस्तलाह इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो शख्स भी आप लोगों के यहाँ पढ़ने के लिए आता है, अगर वो अपना किराया या अपने ज़रूरियात के लिए आपसे पैसे कहता है तो आपके लिए भी देना लाजमी है, क्योंकि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए दे रहे हैं। अगर आप उस शख्स की ज़ात के लिए दे रहे हैं तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए, दुरुस्त है? ऐसे को बुलाएं जिस पे आप भी राज़ी हों, आप देकर भी राज़ी हों पैसे। अगर आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए देते हैं पैसे तो आपको देना चाहिए, और अगर आप
लेने वाले को देखते हैं कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में ही खर्च करेगा और उसकी ज़रूरियात हैं, वो अपने वक्त की कीमत ले रहा है, ज़िक्र की कीमत कोई अदा कर ही नहीं सकता। सहूलियात या वो अपनी गाड़ी, पेट्रोल या जो उसने मुहाफिज रखे हैं, गार्ड रखे हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, ज़ाहिर बात है जब वो सारा दिन रात आपकी खिदमत में मसरूफ़ है तो उसकी ज़रूरियात उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से लेना है, और अगर वो ले रहा है तो इसमें मुज्तहिदीन भी इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सब की तरफ से, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने अज़ीज़ मरहूमीन की तरफ से और हुज्जत खुदा की बारगाह में भी आप सब और अपनी तरफ से मैं तसलियत, ताज़ियत और पुरसा पेश करता हूँ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का, कि उनकी आज शहादत का दिन है, 29 ज़िलकादा थी आज, और 29 ज़िलकादा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आखिर सफ़र उनकी शहादत, और आज 21 जुलाई का दिन था, हमारे प्रोग्राम का नंबर था 280। मौला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ये हमारे वो इमाम हैं जो यकीनन चंद चीज़ों में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखते हैं, एक कमसिनी में, एक हुस्न में, और एक वफा में, और एक इन्हें भी दगा से शहीद किया गया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में काफ़ी सारे ऐसे मवारिद मिलते हैं कि बीवियों ने शोहरों को जहर दिया है, जिनमें से एक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हैं। मोतसिम बिल्ला के इमा पर जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने उन्हें जहर दिया, दोनों पर अल्लाह की लानत हो जिन्होंने इमाम के कत्ल में शिरकत की। हुज्जत खुदा को पुरसा पेश करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।